हेलो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड चैप्टर नोन एज प्लांट किंगडम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लांटी. इन प्लांटी वी इंक्लूड फोर ग्रुप्स. नंबर वन थैलोफाइटा, नंबर टू ब्रायोफाइटा, नंबर थ्री टेरिडोफाइटा एंड नंबर फोर स्पर्मेटोफाइटा. स्पर्मेटोफाइटा इज अगेन डिवाइडेड इंटू टू, जिम्नोस्पर्म and angiosperm. Now, regarding the classification of the angiosperm, different types of classification was given. So, types of classification, if you are talking, it means actually this classification is mean for angiosperm. Three types of classification are there. Number one, artificial. Number three, two, natural. And number three, phylogenetic. Now, what you have to learn in it? Okay, what was the basis of the artificial classification? What was the basis of the natural classification? And what was the basis of the phylogenetic classification? इसका मतलब ये हुआ कि कृत्रिम, प्राकृतिक और जाति वृत्ति वर्गीकरण का आधार क्या है, पहले ये चीज सीखना चाहिए. Then comes who gave it? Who gave it? किसने दिया था? तो इन तीन दो पॉइंट के ऊपर अपन इसको समझ सकते हैं. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो होता है वो वेजिटेटिव करेक्टर्स के ऊपर आधारित होता है, यानी कि कायिक लक्षणों के आधार पर. अब ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था वह थियोफ्रेस्टस ने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था, जॉन रे ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था और कैमेरियस ने दिया था. तो कैरोलस लिनियस का अपन जिक्र कर रहे जा रहे हैं. कैरोलस लिनियस, उन्होंने क्या किया था कि नंबर ऑफ स्टेमेंस को गिनकर, पुंकेसरों को गिनकर उन्होंने 24 क्लास बनाई थी, जिनमें से एक क्लास जो थी वो क्रिप्टोगेम की थी और 23 क्लास जो थी वह फिनेरोगेम्स की थी. क्रिप्टोगेम किसे कहते हैं? अपुष्पी पादप को, नॉन फ्लावरिंग प्लांट को. और फिनरोगेम किसको बोलते हैं? अपन लोग पुष्पी पादपों को, फ्लावरिंग प्लांट को. क्वेश्चन एक बार बना था कि कैरोलस लिनियस साहब का जो क्लासिफिकेशन था वो कैसा था? आर्टिफिशियल तो है ही वो, साथ में उन्होंने गिन गिन कर किया था. जब गिन गिन कर कोई क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसको अपन लोग बोलते हैं फैनेटिक क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन या एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. तो कैरोलस लिनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो आर्टिफिशियल भी था और न्यूमेरिकल भी था. अब आता है हमारे पास में दूसरी बात. एक बंदा था जिसका नाम था कैमेरियस. ये क्वेश्चन भी आया था. उन्होंने सबसे पहले पौधों में लैंगिकता बताई थी. दैट इज, यू वर द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड अबाउट द सेक्सुअलिटी इन द प्लांट्स. नाउ व्हाट वाज द डीमेरिट ऑफ द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन? दोष क्या थे? दोष ये थे कि जो वेजिटेटिव करेक्टर्स होते हैं वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम नष्ट हो जाते हैं. पोलन ग्रीन तो नष्ट नहीं होता, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर चला गया, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को स्वीकार नहीं किया गया. नाउ कम्स योर नेचुरल क्लासिफिकेशन. उसका जो बेसिस था वो क्या था? प्राकृतिक लक्षण, यानी कि नेचुरल करेक्टर्स जो है उसका बेसिस था. नेचुरल करेक्टर का मतलब क्या हो गया? नेचुरल का मतलब हो गया कि प्राकृतिक लक्षण. और ये प्राकृतिक लक्षण जो होंगे उसमें मॉर्फोलॉजी, सब सारे मानव की मॉर्फोलॉजी एक जैसी होती है, हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम
एनाटॉमी एक जैसा होता है, हमारी एम्ब्रोलॉजी एक जैसी होती है। कहने का मतलब, जितने भी प्राकृतिक लक्षण होते हैं उनके आधार पर यदि वर्गीकरण किया जाता है तो हम उसको प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। सबसे बड़ा, बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया था, तो आंसर होता है बेंथम एंड हुकर। इनका जो क्लासिफिकेशन है पूरी दुनिया के अंदर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हर्बेरियम्स के अंदर अपनाया जाता है, यूरोप में भी, एशिया में भी, इंडिया में भी। वहाँ पर जो पौधे होते हैं उनको बेंथम और हुकर के वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। बेंथम और हुकर ने बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन दिया, उसके अंदर उन्होंने, जैसे कि अपन बोलते हैं कैटेगरी 7 होती है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज एंड डिवीजन, उसमें उन्होंने ऑर्डर के स्थान पर कोहोर्ट वर्ड का प्रयोग किया था। ऑर्डर के स्थान पर कोहोर्ट वर्ड का प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में। पहले बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन नहीं था, बहुत पहले तो था, फिर हटा दिया, अब वापस उन्होंने इस साल इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो उस पूरे को चार्ट बनाकर अपने को याद करना चाहिए। दूसरी बात, बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें कुछ मैरिट भी थी और कुछ डीमैरिट भी थी, यानी कि गुण भी थे और दोष भी थे। पहला गुण तो ये था कि ये प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित था। दूसरा गुण ये था कि इन्होंने रेनेल्स नाम के ऑर्डर को प्रिमिटिव माना। तीसरा गुण ये था कि इन्होंने ग्लूमेसी कुल को जो है एडवांस माना। फिर दोष क्या हुआ? दोष ये हुआ कि इन्होंने जो है जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया। बाद में इंग्लर व प्रैंक्टल ने इसमें सुधार किया। इंग्लर व प्रैंक्टल ने किताब लिखी जिसका नाम था डाई नेचर लाइकेन फ्लैंजन फैमिलियंसिस। इंग्लर इंग्लर व प्रैंक्टल जो थे दे वर रिलेटेड विद द फाइलोजेनेटिक्स। सॉरी, नाउ वी मूव टूवर्ड द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। जैसे कि अपन कहते हैं थैलोफाइटा से पैदा हुए ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा को बांटा दो में, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये जैव विकास के आधार पर बताया गया। इसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे कि इंग्लर व प्रैंक्टल था, उन्होंने जो है एम्ब्रियोफाइटा को बेस मानकर दो में बांटा था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर उन्होंने एंजियोस्पर्म को दो में बांट दिया। जैसे इंग्लर व प्रैंक्टल को ले रहा हूं मैं, इंग्लर एंड प्रैंक्टल, इन्होंने किताब लिखी थी जिसका सबसे लंबा नाम है डाई नेचर लाइकेन फ्लैंजन फैमिलियंसिस। इन्होंने क्या करा था, क्वेश्चन आया था एक बार, इन्होंने एंजियोस्पर्म को नहीं बांटा, इन्होंने एम्ब्रियोफाइटा को बांटा, एम्ब्रियोफाइटा, और उन्होंने शुरू में दो में बांटा, जिम्नोस्पर्म एंड नंबर टू एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को दो में बांटा उन्होंने, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब ये गलती थी कि मोनोकॉट को उन्होंने पहले लिख दिया, क्योंकि मोनोकॉट बाद में आने चाहिए, बाद में सुधार कर लिया। इसी के साथ में फिर आया कौन, ओसवाल्ड एंड टिप्पो, हचिनसन, तख्ताजन, सभी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में, मगर उनमें कुछ ना कुछ कमी थी। धीरे धीरे उस कमियों को सुधार दिया गया और आज की डेट में जो अपन क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं उसको अपना लिया गया।
तख्ताजन ने तो ये तक कहा था कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज जस्ट लाइक अ बोन विदाउट फ्लैश, जाति वृत्तीयता वर्गी की के बिना वैसे ही ये जैसे बिना मांस की हड्डी, ये एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। तो इस प्रकार से जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है उसको हम लोग क्लैडिस्टिक प्रकार का भी कहते हैं, आर्टिफिशियल वाले को 3D भी कहते हैं, फाइलोजेनेटिक वाले को 2D वर्टिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन की बात जब चलती है तो हमारे पास में समझने के लिए एक चीज और आती है कि क्लैडोग्राम किसे कहते हैं। क्लैडोग्राम को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। क्या मतलब हुआ? ये पृथ्वी थी, सबसे पहले इसके ऊपर थैलोफाइटा पैदा हुए। थैलोफाइटा से कौन पैदा हुआ? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा से कौन पैदा हुआ? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा से कौन पैदा हुआ? स्पर्मेटोफाइटा। अब थैलोफाइटा के अंदर एल्गी, फंगस, लाइकेन, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा के अंदर हेपेटिकोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा के अंदर बहुत सारे आपको जो है टेरिडोफाइटा बहुत सारे मिलेंगे आपको, टेरोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा है। स्पर्मेटोफाइटा के अंदर दो हो गए, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को भी 8 ऑर्डर्स के अंदर बांटो, एंजियोस्पर्म को 2 में कहा बांटो, मोनोकॉट एंड डायकॉट। तो ये हमको जाति वृत्तीय वृक्ष फाइलोजेनेटिक ट्री मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लैडोग्राम। ओके, सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एट लास्ट व्हाट एवर द क्लासिफिकेशन विच वी आर फॉलोइंग टुडे इज योर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन। अंत के अंदर जाति वृत्तीय वर्गीकरण को अपनाया गया जो कि जैव विकास के ऊपर आधारित था। क्वेश्चन यहां से बनता है क्लैडोग्राम में से। अब बात चलती है हमारे पास में कि और अन्य कौन कौन से प्रकार के वर्गीकरण होते हैं। तो अन्य जो वर्गीकरण होते हैं उनको यदि आप देखोगे तो वो कौन कौन से हैं, देखिए। एक कहलाता है क्लासिकल क्लासिफिकेशन जो कि बाहरी लक्षणों के ऊपर आधारित होता है। दूसरा कहलाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, सांख्यिकी वर्गीकरणी, जिसको कि हम लोग फेनेटिक, यहां से क्वेश्चन बनता है, फेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसी को हम लोग एडन्सोनियन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं क्योंकि इट वॉज गिवन बाय एडन्सन, संख्या के आधार पर, जिस प्रकार से कि कैरोलस लिनियस ने पुंकेसरों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण दिया था। इसके लिए हमको कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ती है, कुछ कैलकुलेटर्स की आवश्यकता पड़ती है, तो गिनना पड़ता है। तो गिन गिन कर यदि क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसको अपन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फेनेटिक या एडन्सोनियन क्लासिफिकेशन कहते हैं। नाउ इसका जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन का जो ट्री होता है जिसे अपन ने अभी पढ़ा था वहां पर, उसको क्लैडोग्राम कहा था। इसका जो ट्री होता है उसको बोलते हैं डेंड्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। एडन्सोनियन क्लासिफिकेशन का फाइलोजेनेटिक ट्री क्या कहलाएगा? तो आंसर होता है डेंड्रोग्राम। ओपन आते हैं एक और के ऊपर जिसको बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो मीन्स केमिकल, रसायन वर्गी की। सारे मानव के अंदर एक जैसा प्रोटीन पाया जाता है, एक जैसे हार्मोन होते हैं, एक जैसे एंजाइम होते हैं। अगर वो समान मिल रहे हैं इसका मतलब वो एक ही जाति को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, दे हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्सलेट के भी होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के भी होते हैं। अगर 4-5 पौधों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स मिल रहे हैं तो हो सकता है कि वो एक ही जाति के हों, और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल मिल रहे हैं तो एक जाति के होंगे। डीएनए के स्ट्रक्चर के आधार पर भी कर सकते हैं अपन लोग।
प्रोटीन की संरचना के आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हो, दे ऑल आर योर व्हाट केमिकल, व्हाट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देन कम्स योर साइटोटैक्सोनॉमी, इसमें से क्वेश्चन बना था साइटोटैक्सोनॉमी, साइटो माने सेल, टैक्सोनॉमी वर्गी की यानी कोशिकीय वर्गी की, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या और उनका बिहेवियर जो मियोसिस के दौरान होता है उसके आधार पर यदि वर्गीकरण किया जाता है तो हम उसको साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। नाउ वन मोर थिंग, द नेम ऑफ द पर्सन वॉज टुरिल। टुरिल ने तीन प्रकार का क्लासिफिकेशन दिया था, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी एंड गामा टैक्सोनॉमी। ये बाहरी लक्षणों के आधार पर था, ये नेचुरल इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर था और यह एडवांस स्टडी के आधार पर क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो एक बार क्वेश्चन बना था कि अल्फा टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था, तो आंसर होता है टुरिल। अब बात चलेगी कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसमें पहला ग्रुप कौन सा आता है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर पहला ग्रुप कौन है, एल्गी। एल्गी क्या होती है, इसके हैबिट क्या है, इसके हैबिटेट क्या है, इसके आवास निवास, इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।